राज्य चिकित्सक अधिकारी संघ के आह्वान पर प्रदेश भर के सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर 2 घंटे की पेंट ऑन स्ट्राइक पर रहे। संघ मंडी जिला में हुई महिला डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार पर विरोध जता रहा है। सभी डॉक्टरों ने काले बिल्ले लगाकर मंडी में हुई घटना का विरोध किया। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित रही। वहीं शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के मुख्य चिकित्सक अधीक्षक राकेश रॉकी ने इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि इस तरह की घटना डॉक्टरों में भय का माहौल पैदा हो गया है और ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार ने इसके लिए नियम बनाए हैं, इसके बाद भी लोग इन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अधीक्षक ने सरकार से मांग की है कि इस ओर ध्यान दिया जाए ताकि डॉक्टरों को इस भय के माहौल से बाहर निकाला जा सके। ये जो हमने अभी फिलहाल जो हमारी एसोसिएशन है, स्टेट मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन, उन्होंने ये निर्णय लिया है सर्वसम्मति से कि जब तक जो अभी एक घटना घटी है, शायद आप सबको मालूम होगा कि जिला मंडी के जंजैली क्षेत्र में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक महिला डॉक्टर के साथ मारपीट, गाली गलौच और दुर्व्यवहार किया गया। तो अभी तक जो भी आरोपी थे रात को ऐसा व्यवहार दुर्व्यवहार किया तो अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया, जबकि तब तक अगर ये हमें कोई आश्वासन नहीं मिल जाता या जब तक जो एक जो हमें मेडिपर्सन एक्ट सरकार ने पहले से कैबिनेट में लाके किया हुआ है तो उसके लिए हमें लगता है कि कोई जब तक कठोर कदम, ठोस कदम नहीं सरकार उठाती है तब तक ये हमारी स्ट्राइक का भी जारी रहेगी। दो ज्वाइन करेंगे, 2 घंटे के बाद सुचारू रूप से देखेंगे उनको और हम भी चाहते हैं कि पेशेंट को इससे कोई भी असुविधा ना हो। लेकिन जो हमारी मांगे हैं, जो हमारा एक ही मुद्दा है हिमाचल प्रदेश के स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी, जो हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो कभी इमरजेंसी आर्ज में या वैसे नॉर्मल होते हैं उनके साथ ऐसी घटनाएं घटने से रुकें। वहीं दूसरी ओर राज्य चिकित्सक अधिकारी संघ के उपाध्यक्ष राजेश राणा ने कहा कि इस तरह की घटना को लेकर सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। इस तरह की घटनाएं प्रदेश में लगातार बढ़ रही है और मंडी में हुई घटना के आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। सरकार जब तक इस मामले में सही कदम नहीं उठाएगी तब तक ये पेन डाउन स्ट्राइक जारी रहेगी। जितनी भी इमरजेंसीज है, इमरजेंसी का हमने विशेष करके ख्याल रखा है और इमरजेंसी निरंतर चल रही है दिन और रात, और ताकि इमरजेंसी में पेशेंट को कोई भी किसी भी तरह की परेशानी ना आए उसके लिए डॉक्टर्स भी कार्यरत हैं, पैरामेडिक्स कल के जितने भी हमारे लोग हैं वो भी कार्यरत हैं। लेकिन ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये लगातार समय के साथ बढ़ रही है, जबकि सरकार ने नियम भी बनाए हैं लेकिन लोग इन नियमों की धज्जियां जानबूझ के उड़ा रहे हैं। तो हाल ही में बहुत सारी घटनाएं इस अस्पताल में भी देखने में आती हैं, लेकिन फिर भी हमारा अनुरोध सरकार से रहेगा कि जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूशन इस पर प्रॉपरली प्लान किया जाए ताकि हम अपने स्टाफ को इस डर के माहौल से थोड़ा सा बाहर निकाल सकें। आदर्श हिमाचल के लिए शिमला से प्रियंका चौहान की रिपोर्ट।